तो रिसेंटली मुझे खेलना था वैलोरेंट अच्छी तरह से, और मैंने खरीद लिया ये वाली गेमिंग माउस अमेजन बेसिक की, जो कि अभी मिल रही है 350 में ऑन अमेजन फ्रीडम फेस्टिवल। इसमें है आपकी ये एडजस्टेबल DPI बटन्स, और साथ में ये दो बटन्स, और जो आपकी नॉर्मल बटन आती है, प्लस ये व्हील, ये सब भी है, ठीक है। और ये 6400 DPI का, तो 6400 DPI का जब आप माउस लोगे ना, तो आपको आपकी सेंसिटिविटी होती है जो गेम की, वो रखनी पड़ेगी आपको 0.6 या 0.5 की तरफ, अगर आप फास्ट मूव करना चाहते हो। अगर आपने 4 या 1 तक रख दिया ना, तब तो आपके थोड़ा सा स्लाइड करोगे एक बार इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर, तो 1 पर तो नहीं रख सकते, 0.6 पे। तो अगर आप पुराने माउस से खेल रहे थे अभी तक, तो ये वाली माउस थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी वेट है इसमें। और अगर आपको वेटेड माउस पसंद है, भारी माउस पसंद है, तो फिर आप ये वाली ले लो, अच्छी है, अच्छी चलती है। मैं 3 दिन से गेम खेल रहा हूँ वैलोरेंट, मुझे उतनी ज़्यादा मतलब नहीं आती है प्रॉब्लम, मतलब अच्छी है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसके साथ। बट अगर आप थोड़ी छोटी वाली लोगे तो पूरा हाथ में पाउच में आ जाती है, और आप उसके साथ अच्छे से ड्रैग वैग कर सकते हो। और इसमें तो RGB लाइट्स आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो रेड ब्लू ग्रीन, बट इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको लाइट ऑफ करना है तो ये दोनों बटन क्लिक होल्ड करके रखो और ये लाइट ऑफ हो जाती है। बाकी एडजस्टेबल DPI ऊपर करोगे तो 6400 और नीचे करोगे तो 3200 और 1600 पे आके फिक्स हो जाती है। बट इसमें भी थोड़ी सी खामियां हैं। खामियां क्या है कि रबड़ की बॉडी नहीं है, सब प्लास्टिक की बॉडी है, और आपको पता ही है ग्रिप ग्रिप अच्छी है, बट 150 रुपये की माउस से 350 रुपये पे स्विच कर रहा हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो ये अच्छी है, मतलब गेमिंग कर सकते हैं, अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं, हेडशॉट ले सकते हैं, स्नाइपिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं।